डीसीओ की जेर सदारत मुनाकिदा इजलास में जिला भर के लिए 482 मिलियन रुपए के तरक्याती मंसूबा जात की मंजूरी। लोकल प्लानिंग बोर्ड ने माली साल 2020-21 के लिए म्यूनसिपल कमेटियों और तहसील कौंसिल के 190 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। इन प्रोजेक्ट्स पर मजमू तौर पर 482 मिलियन रुपए की लागत आएगी। लोकल प्लानिंग बोर्ड का इजलास डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट जहांगीर भट्ट, म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा खारियां कुंजाह और तहसील कौंसिल खारियां के चीफ ऑफिसर्स ने शिरकत की। इजलास में म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा की 70 स्कीमों की मंजूरी दी गई, जिस पर 96.175 मिलियन रुपये खर्च होंगे। म्यूनसिपल कमेटी खारियां की 2 स्कीमों पर 92.7 मिलियन रुपये, म्यूनसिपल कमेटी कुंजाह की 8 स्कीमों पर 55 मिलियन रुपए खर्च होने का तखमीना है। तहसील कौंसिल खारियां की 88 स्कीमें मंजूर की गई हैं, जिन पर 301.9 मिलियन रुपए खर्च होंगे। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने इजलास से खिताब करते हुए बताया कि चारों बल्दियाती इदारों की इन तंजीमों की आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शमूलियत के लिए हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंजूर की जाने वाली स्कीमों में सड़कें, गलियां और नालियों की तामीर, सीवरेज, वाटर सप्लाई समेत दीगर मंसूबा जात शामिल हैं। रिपोर्ट नदीमुला भट्ट, फहर न्यूज़, गुजरात।